हेलो जी, राम राम सारा ने और पहले नवरात्र के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और आप सभी के लिए है एक सरप्राइज। तो आज रुद्र भी हमारे साथ जा रहा है शॉपिंग के लिए और वो क्या सरप्राइज़ है वो आप आगे देखना, तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो उसके लिए हम पहुँच गए थे महिंद्रा स्टोर पर, जो कि आज हमने गाड़ी करी है परचेज़। और कौन सी गाड़ी है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो 3, 2, 1, तो हमने ये नई गाड़ी परचेज़ की है पहले नवरात्र में। तो ये है हिमांशु राणा की नई गाड़ी, कांग्रेस ब्रो। तो ये हिमांशु की नई गाड़ी और हम यहाँ पे आए थे गाड़ी लेने के लिए नई नई। तो आज हमने ली है पहले नवरात्र में ये वाली गाड़ी। तो अब हम जाएंगे इस पे लॉन्ग ड्राइव पर। तो पहले तो हमने यहाँ से फिर हमने मिठाई खरीदी और हम नई गाड़ी में जा रहे हैं अब सीधा मंदिर में, क्योंकि पहले मंदिर में ही पूजा होगी। फिर ये देखो हम मंदिर में आ गए थे, इस टाइम पे कोई नहीं था क्योंकि 12 बज रहे थे। और वो रही हमारी सुंदर सी प्यारी सी ब्लैक गाड़ी, ये है। तो इब हम मंदिर में आ गए, इब हमने सभी ने पूजा करी और यार मैं अपनी वीडियो बनाने में व्यस्त थी थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम आगे भोले बाबा का आशीर्वाद लेने दिया, फिर हमने सब ने पूजा करी। उसके बाद फाइनली हम आ गए थे घर पे पूजा करके और आज हम बहुत ज़्यादा थके थे। और यो मेरा प्यारा बेटा आते अपनी पोएम देखा लग गया था और शेर की डाल हमने डरा लग रहा। कैसे करता है शेर, दिखाइए। उसके बाद हो गई थी शाम। तो फिर मैंने पिया मौसमी का जूस। तो रियो बोला कि बुआ मेरे को भी दे दे, मेरे को भी पीना, ये देखो के ना। फिर वो चला गया घूमता घूमता। फिर उसके बाद शाम हो गई थी। तो आज हम जान लाग रहे हैं मेले में। तो मैं और रुद्र, भाभी और मम्मी और आस्था और रिहू का पापा जा रहे हैं आज मेला देखने के लिए। तो आज पहला नवरात्र और आज हम जा रहे हैं मेले में। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, क्या शॉपिंग करेंगे, क्या रुद्र लेके आएगा खिलौने। सासू बहुआ का तैयार नहीं होता और हम हुआ भतीजे तैयार हो लिए। चल बेटा मैं नहीं कड़ा मम्मी। रिहू अपनी मम्मी ने ढूंढा है ना, आवे तेरी मम्मी ना, आवे मम्मी सुन ना। तो ये बुआ भतीजे तो सबसे पहले तैयार हो गए थे जानती है मेले में। तो उसके बाद आ गई थी भाभी जो थी लेट। भाभी भाई है तैयार होकर, मम्मी तो भाई है ना है। सासू बहू बेरा ना के करे जा है, छोरा मैं संभालू हूँ पर बेरा ना सासू बहू के करे जा। बता वाह देखो आ जाओ मम्मी, लेट हो आप। पैसे वैसे कुछ लिया है? पैसे शॉपिंग नहीं करवाओगे आप मेरे को? हाँ तेरी ये शॉपिंग करवाऊंगी, कुछ 10 दिन कुछ मेरे में कुछ मन पसंद आ गया तो। अरे वाह, उड़ा यूपीआई ना चले तो आगे बैठ जा, हम चाह रहे हैं। सुनो रावण भाई माँ, ये हम पहुंच गए थे सारे मेले में और ये है द्वारका सेक्टर 10 में, जो काफ़ी बड़ा और सुंदर मेला था और अभी स्टार्ट ही हुआ था और आज पहला दिन था इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो ईव हम पहुंच गए और ईव हम पहले तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे क्या चीज़ कहाँ पर है, खाने के लिए क्या है और झूला कौन कौन से है, रिहू को कौन सा झूलाना है। तो हम यहाँ पर सब पहले देख रहे थे अच्छे से, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कौन से झूले में जाएंगे और क्या क्या हमें को डेकोरेशन का कुछ सामान लेना है क्योंकि आ रही है दीपावली। तो इसलिए हमने पहला तो सारे उसमें घूमे फिरे, इंजॉय किया, हमने ये देखा कहाँ पे क्या है कौन सा झूला है। फिर रियो भी बुआ मैंने इसमें झूला दे, मैंने क्यों दिखा दे, तो रियो भी बहुत ज़्यादा खुश था और उससे ज़्यादा खुश था उसकी बुआ थी। तो ये देखो कितना मस्त और कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। अरे देखो बुआ बहुत खुश है कि ये आज मैंने झूलने का मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं झूलने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि कब नवरात्र स्टार्ट होंगे, कब शॉपिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम पहले देख रहे थे, उसके बाद देखेंगे हम कौन सा झूला झूलेंगे और कौन कौन झूलेगा झूला पे। फिर उसके बाद हम चले गए थे होम डेकोरेशन वाले आइटम देखने के लिए, क्योंकि दीपावली आ रही है तो दीपावली में तो घर डेकोरेट होएगा सुंदर सुंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रॉकरी का सामान था, कप थे, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान था। फिर हमने देखा कुछ खरीदा, क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा वो अपने नेक्स्ट अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि हम क्या लेके आए अपने घर के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ पसंद भी आई थी, किसी का रेट ज़्यादा भी था किसी का कम भी था, बट ठीक था।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पे किया इग्नोर, क्योंकि हमने यहाँ पे पसंद नहीं आई। तो उसके बाद हमने और भी ज़्यादा अंदर जाकर देखा कि क्या क्या है और फूड आइटम क्या क्या है, क्योंकि मम्मी और आस्था तो फास्ट थे, मैं और भाभी फास्ट नहीं थे, तो हम दोनों छट्ठे खा सकते थे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे क्या आइटम है, क्या क्या है, कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा सुंदर थे और डेकोरेशन तो इतनी ज़्यादा, डेकोरेशन के आइटम तो इतने ज़्यादा थे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या खरीदे। और रियू को अपने आइटम दिख गए खिलौने, तो रियू तो दे दे दिला दो ऐसे कर रहा था। तो हमने यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, जो कि आप देख सकते हो। बुझ तो लो ये माला मूला कुछ दिवाली से अच्छी हो तो तो ये लोग हमारी तो शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। और उसके बाद फिर हम सारे चले गए थे रामलीला देखने के लिए, लेकिन रामलीला अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी डांस स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज डांस वगैरह स्टार्ट थे, ना कि रामलीला। फिर रामलीला स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था, तो आज शुरू होया है इसलिए। फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर और देखने थे कि चलो झूले झूलते हैं। और ये देखो कितना खतरनाक झूला था, और इस पर नहीं चार छोरी बैठी थी इस खतरनाक वाले झूले पर, और सब देखने लग रहे थे कि यार सिर्फ चार छोरी बैठे इस घूमने वाले झूले पर, इतना ज़्यादा डर लगा था। मम्मी बोली कौन कौन इसमें ट्राई करेगा, मगर ना कोई ना करे इसने ट्राई। और उसके बाद हम फिर जाने लग रहे झूले थे यहीं देखने लग रहे, फिर मेरा तो जी ना करा, फिर मम्मी और आस्था चले गए थे झूला झूलती हैं, और वो भी वो गोल वाला जो इतना बड़ा था। मैं कहा जाओ जाओ मैं थोड़ी वीडियो बनाऊंगी। फिर उसके बाद माँ बेटी तक चली गई थी और मैं यारा उनकी दोनों की वीडियो बनाने लग रही थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी का रास्ता का वेट करूँ थी कि कब उनका नंबर आएगा, कब वे राइड में जाऊँगे और कब मैं वीडियो बनाऊँगी। तो उसके बाद फाइनली ये जा चुके थे माँ बेटी, वीडियो बनाकर बोले थे गए थे। मैंने तो वैसे मैंने भी जान का शौक है झूलना, झूलने में मैंने भी मज़े आवा, लेकिन मैं आज ना गई क्योंकि मेरे ऑलरेडी थोड़ा सर में पेन था, तो मैंने सोची कि इग्नोर करूँ ना तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो मेरे में आज थोड़ी कम भीड़ थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सोडा पानी लिया थोड़े खाने के लिए, और फिर हमने बेटे थे बहुत सारे खिलौने लिए। ये देखो रियू ने यार चिड़िया चाहिए थी कि दिला दो बुआ प्लीज़, तो फिर रियू लेते इसने भाग गया। ये देखो रियू अपनी चिड़िया लेकर चला गया था। फिर उसके बाद हमने बस थोड़ा इधर तो उधर हांडे गए, देखे गए कि खाने का के लेने का है। उसके बाद हमने ये दो गिफ्ट लिए थे री होती है, एक है चिड़िया और एक वो एक पंखा से टाइप में लिया था। उसके बाद हम थक गए थे और फिर कुछ था ही नहीं, तो फिर हम उसके बाद अपने घर जाने की प्रिपरेशन कर ली थी कि चलो भाई थोड़ा और घूम कर फिर अपने घर चलेंगे, क्योंकि आज कुछ आज इसलिए कुछ देखने के लिए नहीं था क्योंकि आज पहला दिन था, इसलिए बस इतना ही मज़ा आया था आज, हमें कुछ खास मज़ा आया नहीं। और रामलीला भी शायद स्टार्ट हो गई थी जब हमारा जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि हम लेट आए थे और हम एक घंटे में अपना घूम लिए, खा लिए, पी लिया, और उसके बाद ये हम जाने लग रहे अपने घर पर। तो आप देख सकते हो आज तो सब सिटिंग एरिया भी पूरा जो था पूरा खाली पड़ा था, सिर्फ आगे आगे लोग बैठे थे, वरना सेकंड थर्ड फोर्थ और आगे जाकर तो जगह पैर रखने के लिए भी जगह ना मिला। आज तो फिर भी कुर्सी दिखा थी, एक बार अगर दो दिन बाद भी आओ ना तो एक भी कुर्सी ना दिखेगी। और उसके बाद फिर हमारा जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि हम 11 बजे अपने घर पर आ गए थे, क्योंकि हम 9 बजे गए थे, 11 बजे घर पर आ गए थे। अपने एक दो घंटा घूम के खा कर पी कर खेल कर, और फिर उसके बाद ही हम जैसे ही हमने जाने की तैयारी कर ली ना, वैसे ही थोड़ी रामलीला स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने थोड़ी देर खड़े होकर वहाँ पर देखा, तो ये देखो जी भोले बाबा और पार्वती का स्टार्ट हो गया था। और देखो जी अड़े स्टार्ट हो गई थी, और कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है पीछे का, तो इससे लगा जैसे कुछ रियल हो, इतने अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। और इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी, सिटिंग एरिया भी था, और वैसे वो काफ़ी बड़ा था और सुंदर भी था। तो लेकिन हमने फिर यहाँ पर थोड़ी देर 5 मिनट खड़ा होगा, 5 मिनट हमने अड्डे देखी और काफ़ी अच्छा था और बड़ा भी था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था। और दो मेले लगे हुए थे, तो ये पूरा दशहरे तक ही चलेगा, तो हम फिर आने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, और अगली बार अपने बैठ कर पूरी देखेंगे और पूरा व्लॉग बनाऊँगे। और ये था रावण जी जो फूकेंगे दशहरे वाले दिन। उसके बाद हम फाइनली घर पर आ गए, घर पर सब ताकत पहला स्वागत करा जोनी ने कि जोनी आते चिपक गया, मगर दूर ओले पहले थक रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे, देखो मम्मी ओले का आई थी अपने पोते थे, और एक खिलौना और लेके आई थी।
उसके बाद भाई गुड नाइट। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मतलब बिजी था, कई चीज़ में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं व्लॉग आजकल डालना मतलब आजकल मैंने छोड़ दिया था, तो उस वजह से मैं व्लॉग बनाना भी भूल गई। तो मैं आजकल किसी भी चीज़ मतलब याद ही नहीं रहता कि हाँ इस चीज़ का मेरे को शूट करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, तो इब हम्मा बेटी सो, मेरी मम्मी ऑलरेडी सो चुकी है और मैं भी सो हूँ। सुबह हमको कहीं जाना है, वो कहाँ जाना है पता नहीं, बट तो गुड नाइट, राम राम सालाना है और जय माता दी। तो फाइनली आज का दिन हुआ ख़त्म। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, थक गए हम दोनों माँ बेटी। तो मम्मी का आज फास्ट था, मैंने फास्ट नहीं रखा, तो कल के लिए कुछ सरप्राइज है। तो बाय बाय, स्टे ट्यून, गुड नाइट। तो ऐसा क्या हो गया था जो मैंने गुड नाइट भी बोल दिया था, और ये मैं बाहर रसोई के आगे बैठी हूँ और टाइम हो गया था, ये देखो कितना टाइम हो गया था, 2 बज गए थे, और मैं बाहर क्यों बैठी हूँ वो आपने पार्ट 2 में पता चलेगा। बाय बाय।